जय हिंद दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को एक लास्ट नोटिस इशू कर दिया है। जी हाँ, एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी कि या तो हमारे रूल से कंप्लाई कर लो, हमारे रूल्स को मान लो, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी बात क्या है देखते हैं वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। भाई के चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कब करोगे, अभी कर लो। नीचे लाल बटन को दबा दो और उसके साइड में जो घंटी है उसको भी दबा दो ताकि तुम्हें मेरे नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर रोज़ डालता रहता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है न्यूज़ के लिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, मैं इंडियन एक्सप्रेस को यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट नोटिस, पीनल एक्शन विल फॉलो, गवर्नमेंट टेल्स ट्विटर। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक प्रोटेक्शन मिली होती है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एक इम्यूनिटी मिली होती है कि भाई अगर आपके प्लेटफॉर्म पर कोई भी वायलेटिव कंटेंट, कोई भी ऐसा हार्मफुल कंटेंट है जो इंडिया की सॉवरनिटी को, ठीक है, सिक्योरिटी को हार्म करे या फिर लोगों के लिए हार्मफुल हो, तो उसको उसके लिए हम आपको सीधा कोर्ट में घसीट के नहीं लेके जाएंगे। आपको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाएगी, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी कि भाई आपसे अगर गलती हो गई है तो आप उसको रेक्टिफाई करो, आप उसको ठीक करो, ठीक है। तो ये एक जो है इम्यूनिटी, एक प्रोटेक्शन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया जाता है, क्योंकि देखो इतने सारे लोग जो है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस कि गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब बात क्या है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, 25 फरवरी को इस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इशू करी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, ठीक है। 25th of February, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, वाइल अनाउंसिंग द गाइडलाइंस ऑफ फेब्रवरी 25, ठीक है, 25 फरवरी को गाइडलाइंस इशू करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 90 दिन का पीरियड दिया था कि भाई हमारे रूल्स से जो हमने अभी बनाए हैं, हमने जो नए नॉर्म्स लेके आए हैं, उन नए रूल्स से आप कंप्लाई करो। 90 दिन का पीरियड आपको दिया जा रहा है, अगर आपने उस पीरियड में कंप्लाई नहीं किया तो आपको जो इम्यूनिटी मिली है वो काम आपके नहीं आएगी, ठीक है, आप पर एक्शन ले लिया जाएगा। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और ये दोस्तों प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत ये प्रोटेक्शन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी जाती है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखना, काफ़ी ज़रूरी बात है, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है ना, नॉर्मली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। तो दोस्तों अब क्या है कि 25 फरवरी को जब ये रूल्स निकाल दिए गए, ठीक है, तो क्या हुआ, फेसबुक ने, गूगल, लिंक्डइन और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ने, इन 5 कंपनियों ने तो भाई जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनको इस 1.5 महीने के पीरियड में अपना जो डिटेल्स हैं, ठीक है, जो भी डिटेल मांगी गई थी, अब डिटेल क्या मांगी गई थी मैं उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन जो भी रूल्स जो निकाले गए थे गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लाई करने के लिए, उनसे उनको मान लिया, ठीक है, उनको अप्लाई कर दिया, ठीक है, जो भी उनको कहा गया था उन्होंने वो कर दिया। लेकिन ट्विटर ने उन रूल्स को नहीं माना, उन गाइडलाइंस को नहीं माना, तो इसीलिए ये आखिरी अल्टीमेटम जो है ट्विटर को दिया गया है। अब दोस्तों वो रूल्स क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं ऊपर से ब्रीफ बता देता हूँ। जो रूल्स निकाले गए हैं आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, उनका नाम है द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, उस लॉ का नाम है, ठीक है ना, जो आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से निकाला गया है। तो दोस्तों इन रूल्स में क्या लिखा गया है मैं ये बताता हूँ। जिन प्लेटफॉर्म्स पर 50 लाख यूजर से ज्यादा यूजर हैं, उनको यूज कर रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स को, उन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को एक ग्रीवियंस ऑफिसर, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसमें लिखा हुआ है कि इन 3 बंदों की जो डिटेल्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पर और आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये भाई बात थी। और ट्विटर ने क्या किया, ठीक है, इन 5 प्लेटफॉर्म ने तो कर लिया कंप्लाई, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ने, इनने तो कंप्लाई कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्विटर ने क्या किया कि एक लॉयर की डिटेल्स, जो एक लॉ फर्म में काम करता है, उसकी डिटेल्स को गवर्नमेंट को भेज दिया, ठीक है, और कह दिया कि भाई यही हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन है, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, और यही हमारा ग्रीवियंस ऑफिसर भी है,
ठीक है, जबकि वो बंदा उस कंपनी में काम नहीं करता, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो उस कंपनी के पेरोल पर नहीं है, और जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी डिटेल्स तो शेयर करी नहीं। कहने का मतलब है कि आधी अधूरी चीज करी और वो भी ढंग से नहीं करी, समझ लो, तो मतलब कि कंप्लाई नहीं करा उन रूल से एट ऑल, गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले थे। मतलब ये तो बात है, ठीक है, कि तुमने कोई पॉलिसी बना नहीं रखी अपनी, ऊपर से तुम हमारे लॉ को भी मानने से मना कर रहे हो कि भाई हमने जो लॉ बनाया है, हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है, ठीक है, उसको भी तुम मानने से मना कर रहे हो। ये तो भाई बिल्कुल ही गलत बात है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी, जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में। अगर आगे कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं उसके लिए भी एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, और भाई के चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कर लो, नीचे लाल बटन को दबा दो, उसके साइड में जो घंटी है उसको भी दबा दो ताकि तुम्हें मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का और अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।